वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में ऑपरेटर में बताया था, कंडीशनल ऑपरेटर बताया था मैंने आपको, कंपैरिजन ऑपरेटर। उनमें क्या होता था कि आप कोई ना कोई कंडीशन चेक करते थे, जैसे x और y इक्वल 12। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगी इसमें। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगी, इफ, ठीक है, इफ अगर x जो है क्या है, बड़ा है कितने से, 10 से, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं कुछ भी करा सकता हूँ इस कंडीशन पे। ठीक है, सिचुएशन ये है, x इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, आप सोच के देखो, देखो यहाँ पे क्या वास्तव में x 10 से बड़ा है, नहीं। अगर 10 से बड़ा नहीं है तो देखते अब क्या आने वाला है। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन तो फॉल्स हो गई, x तो 10 से बड़ा है नहीं, देखते कुछ आएगा क्या, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि x 10 से बड़ा नहीं है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूं x 10 के बराबर है, मैंने लिखा x 10 के बराबर है, डबल इक्वल बताया था मैंने आपको, तो अब देखो आया x इज ग्रेटर देन 10, सॉरी गलती से हमने यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेटर देन, हमें यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, x इज इक्वल टू 10। अगर मैं इस कंडीशन में 11 कर दूँ तो x 11 के बराबर नहीं है, तो ये नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस ब्लॉक के अंदर जहाँ इफ कंडीशन लगी हुई है, इस ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा है वो जब ही एग्जीक्यूट हो सकता है जब यहाँ पर लिखी जाने वाली कंडीशन जो सही होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो फिर इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यही होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, x लेस देन 11, तो देखो अब ये कंडीशन चल जाएगी, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, ऐसे देखो मैं दो दो तीन कंडीशन लिख देता हूँ एक साथ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और दूसरी मैं सेम इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ लेस देन 10, लेस देन 11, और तीसरी मैं कंडीशन लेता हूँ उसमें लिखता हूँ लेस देन बाई, कि x बाई से छोटा है। तीसरी कंडीशन क्या, चौथी कंडीशन सॉरी, वो मैं ले लेता हूँ x जो है बाई से बड़ा है। ठीक है, मैं इसे जैसे हमने दिया वैसे हम लिख भी लेते हैं इनको, x इज इक्वल, ठीक है इक्वल लिख दिया, इसमें क्या है x लेस देन है तो इसमें लेस देन लिखेंगे। लेस देन लिखेंगे और इसमें, ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट x ग्रेटर देन y। ठीक है, तो अब देखना यह है कि इनमें से कौन कौन सी कंडीशन सही होती है, कौन कौन सी कंडीशन चलती है। ठीक है, पेज पे आ जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे, देखो x इज इक्वल टू, ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, ऐसा करते हैं सब एक ब्रेक लगा देते हैं, जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पर एक br टैग लगा देंगे, और ये सब में लगा देंगे, प्रिंट नहीं होगा, ये लाइन ब्रेक करने के लिए html में काम करेगा। ठीक है, देखो पहला x इज इक्वल टू 10, ठीक है x 10 के बराबर है, दूसरा x इज लेस देन 11,
है, एक्स 11 से छोटा है, एक्स इज लेस देन पाई, ठीक है, एक्स क्योंकि पाई पाई मतलब 12 है तो 10 12 से छोटा होता है, तो तीनों कंडीशन ठीक हुई, ट्रू हो गई, तो ये प्रिंट हो गया। लेकिन तीसरा प्रिंट नहीं हुआ, देखते हैं क्या कंडीशन है। तीसरा कंडीशन है अगर एक्स बड़ा है बाई से, एक्स ग्रेटर देन बाई, तो वही एक्स बाई से बड़ा है नहीं, तो यहाँ पे आया फॉल्स, तो ये प्रिंट नहीं हो सका। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में आप क्या करेंगे, कोई ऐसी कंडीशन लगाएंगे, वही कंडीशन लगाएंगे जब वो ट्रू हो तभी वो प्रिंट डेटा प्रिंट हो, अदरवाइज डेटा ना हो या फिर कोई जो कोड लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट हो, और अगर कंडीशनल फॉल्स हो गए तो कोड एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे कर दूँ पाई ग्रेटर देन एक्स, ठीक है, पाई ग्रेटर देन एक्स, और यहाँ पर जो मुझे चेंज करना पड़ेगा ये मैसेज है, इसको चेंज करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने आंसर को रीड करने के लिए इसको चेंज कर रहा हूँ। देखो पाई इज ग्रेटर देन एक्स आ गया, क्योंकि अभी ये कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन ट्रू होने पर ही ये प्रिंट होगी, इसके अंदर जो है कोड दिया जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा, जरूरी नहीं है हम सब प्रिंट का ही कोड लिखे, हम इसमें कोई भी कोड लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कोड लिख सकता हूँ कि मेरी स्क्रीन पे जब स्क्रॉल हो तो ऐसा काम हो जाए, जब यूजर स्क्रॉल करेगा तो वो इसके अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे किसी ने कहा कि वो राइट क्लिक करेगा तो ऐसा होना चाहिए, तो हम इसमें कंडीशन लगा सकते हैं कि इवेंट में राइट क्लिक हो तो ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, वो कहता है कि मेरा मोबाइल की अगर अगर कोई स्क्रीन को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप से पोर्ट्रेट कर देगा तो ऐसा हो जाना चाहिए, तो हम कंडीशन लगा सकते हैं कि जब मेरी स्क्रीन पोर्ट्रेट हो तब ऐसा होना चाहिए और लैंडस्केप हो तो ऐसा होना चाहिए, कुछ भी हम लगा सकते हैं। मैंने कलर ले लिया, कलर कलर रेड, ठीक है, और यहाँ भी मैंने कंडीशन लगा दी, मैंने लिखा कलर इक्वल इक्वल रेड हो, रेड हो, ठीक है, कलर अगर मेरा रेड हो तो क्या होना चाहिए, मैं गाड़ी को स्टॉप करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं लिखूंगा प्लीज वेट, भैया इस सिग्नल के लिए इंतजार करो, फिर इसके बाद मैं दूसरी कंडीशन लिखूंगा ये कलर इक्वल इक्वल येलो, येलो हो तो क्या होना चाहिए, फिर मैं लिखूंगा ये चीज कंडीशन, कॉपी कर लेता हूँ, इसके बाद मैं एक लाइन टैग लगा दूँ ताकि लाइन दूसरी लाइन में आ जाए बियर, तो मैं क्या करूँगा जब येलो होगा तो टू ग्रीन, ठीक है, और तीसरी कंडीशन होगी इफ इफ इसमें आएगा कलर, कलर कौन सा हो, ग्रीन हो, ठीक है, तो क्या आएगा, फिर क्या करेंगे जब तो कलर ग्रीन होगा तो क्यों करेंगे। ठीक है, अब लाइट ग्रीन हो गई है, ठीक है, पहली कंडीशन ये है अगर कलर रेड लाइट का हमारा कलर रेड है तो वो मैसेज आना चाहिए प्लीज वेट फॉर सिग्नल, ठीक, अगर येलो है तो बी रेडी सिग्नल गोइंग टू ग्रीन, और अगर ग्रीन हो जाएगा तो यू कैन पास नाउ, अब आप निकल सकते हो। ठीक है, तो चेक करते हैं कि मैं से कौन सी कंडीशन चाहिए, क्योंकि हमने कलर तो रेड दिया हुआ है, तो अभी देखते हैं कौन सा मैसेज पास होगा। हमने तीन स्टेटमेंट लिखे हैं, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, ठीक है, तीन ब्लॉक बनाए हुए हैं, अब ये देखते हैं तीन में से कौन सा ब्लॉक पास होने वाला है, प्लीज वेट फॉर सिग्नल, ठीक है, अभी की लाइट जो अभी रेड लाइट जो है वो रेड है, ठीक है, कलर जो है वो रेड है, अगर मैं यहाँ पर येलो कर दूँ, येलो कर दूंगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे येलो किया है, तब देखो अभी अब क्या सिग्नल आने वाला है, अब से बी रेडी सिग्नल गोइंग टू ग्रीन, ठीक है, तो अब ये वाला मैसेज आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर ग्रीन कर दूँ, ठीक है, यू कैन पास नाउ सिग्नल,
अभी देखो ये कलर जो है ग्रीन है, तो क्लिक कलर इक्वल टू ग्रीन, बट एक कलर की वैल्यू ग्रीन है तरीके लाइट जो तीन तरीके की हो सकती है, रेड येलो और ग्रीन। तो मुझे पता है कि या तो रेड होगी या ग्रीन होगी या येलो होगी, ऐसा तो नहीं कि चौथे तरीके की लाइट जलेगी नहीं जलेगी। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए एक कंडीशन हटा देता हूँ और इसकी जगह यूज करता हूँ एल्स। क्या यूज किया मैंने एल्स, कि अगर रेड होगा तो इसके अंदर चला जाएगा और एक अगर इफ येलो होगा तो इसके अंदर चला जाएगा और इन दोनों में से कुछ नहीं होगा तो एल्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, एल्स जो है वो कंडीशन सही ना होने की स्थिति में यू कैन पास नॉट सिग्नल इज ग्रीन। ठीक है, ग्रीन यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि उसने पहले चेक किया कलर रेड है, नहीं रेड नहीं है, कलर की येलो है, येलो नहीं है, तो कलर की वैल्यू तीन ही हो सकती है। तीसरी बार चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर दो लाइटें नहीं है तो तीसरी लाइट ग्रीन ही होगी। ठीक है, और कई बार इंडिया में ज़्यादा सिग्नल भी खराब हो जाता है, तो इंडिया वाला सिग्नल नहीं है। ठीक है, ये विदेश वाला सिग्नल, ठीक है, कोई फॉरेन कंट्री का अच्छा सिग्नल है, ये खराब नहीं होता। इफ एल्स का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन सही तो ठीक, अगर इफ कलर येलो है तो ठीक, नहीं है तो फिर इसके अंदर चला जाएगा। अब मैं देखो कलर की वैल्यू कुछ भी दे दूँ, यहाँ पे कुछ भी दे दूँ, RTP कुछ भी दे दूँ, ये यू कैन पास कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि एल्स में लगा हुआ है, कोई कंडीशन नहीं लगी, कंडीशन सिर्फ ऊपर लगी हुई है, इस कंडीशन को चेक कर रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर एल्स में नहीं जाएगा। अगर ये येलो हो गया, येलो हो गया तो देखना अभी एल्स में नहीं जाएगा, एल्स वो जब ही जाएगा जब वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी। और एल्स हम जब इस्तेमाल करेंगे जब हमको पता है कि हमारे पास लिमिटेड कंडीशंस हमको पता है, अगर हमारे लिमिटेड कंडीशंस पता नहीं है तो हम सीधे इफ इस्तेमाल करेंगे, एल्स का यूज नहीं करेंगे। अगर हमको फिक्स पता है कि भैया दो ही वैल्यू हो सकती हैं, यस और नो, ठीक है, दो वैल्यू हो सकती है भाई, जैसे 10 और 12 है, 10 हो सकती है 12 हो सकती है, तो हमको पता है कि हमने 10 चेक कर ली, बाकी 12 ही आएगी, बाकी दूसरी कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर हमको शक है कि भाई नहीं 10 के अलावा 12 हो सकती है, 15 20 कुछ भी हो सकती है, तो हम फिर अलग अलग कंडीशन के लिए अलग चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास अगर मान लो ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाए तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते, कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई हमारे पास मंथ की। ठीक है, मंथ के मंथ की स्टेटमेंट आ गई हमारे पास, कंडीशन आ गई मंथ में लिया हुआ है जैन। ठीक, हमने चेक करना है 12 महीने चेक करना है, तो हम या तो ऐसे लिखेंगे ये जैन। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम दे सकते हैं इसको जैन। This is first month of the year. ठीक है, ये साल का पहला महीना भैया, और ऐसे ही हम इसको फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर फाइव करते हैं, दिस इज द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, यहाँ पे अप्रैल करते हैं, ठीक है, तो ऐसे हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। और अगर मान लो हमारे पास इससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा, जैसे 12 हो गए हमारे पास, हम बार बार इफ लगा के चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ना हम कुछ ऐसा शॉर्टकट निकाल लें कि हम एक ही इफ के साथ शुरू कर दें। इसका दूसरा तरीका ये है, आप इफ के साथ जाओ और यहाँ एल्स इफ, ऐसे ही यहाँ पे जाओ
else if, और यहाँ पे जाके else if, समझ रहे क्या हो रहा है? पहला if है, ये अलग अलग कंडीशन स्टेटमेंट नहीं है, एक सिंगल एक ही स्टेटमेंट है, जो कंडीशन स्टेटमेंट है वो सिंगल होगी। मैं क्या था, अलग अलग इफ लिख रहे थे, क्या है पहले इसको चेक करेगा, इसके बाद इसको चेक करेगा, फिर उसके बाद वाले बाकी सबसे बाद में इस पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम काम करने वाला है, फोर्थ मंथ दिखा रहा है, और हम इसमें एल्स भी डाल सकते हैं, हमने डाला इसमें, इसमें लग देते हैं दिस इज दिस मंथ इज आफ्टर अप्रैल हो गया, अप्रैल ठीक है, ये अप्रैल के बाद का महीना है। तो यहाँ पे मैंने डाला दिसंबर, तो ये आखिर बाद दिसरी था मंथ अपना आफ्टर अप्रैल ईयर, ठीक है ठीक है। तो ये कर सकते हैं, और अगर हम ठीक है इसके बाद ये हो गई पहली फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, दूसरी एल्स स्टेटमेंट थी, इसके बाद एल्स लगा दो, उसके बाद अगर ज़्यादा कंडीशन थी फेल्स एल्स इफ करके आप लगा सकते हो, एल्स का इफ लगा के नई कंडीशन, और इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, इसको मैं रिकमेंड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। होती स्विच, स्विच स्विच कैसे काम करेगी, स्विच में अब इस मंथ को पास कर दो, यहाँ मंथ पास कर दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो आप केस, ठीक है, और केस की वैल्यू डालो मंथ में क्या है, जैन, ठीक, ऐसे ही आप हर महीने के डाल सकते हो, मैंने इसमें डाला फेब, इसमें डाला मार्च, ठीक है, तीन महीने में भी डाले हुए हैं, और देखते हैं इसमें ऐसा कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ चेंज, चेक करने के लिए, देखो अभी क्या हो रहा है, इसमें सारे आ रहे हैं, रीजन क्या है, रीजन ये है जो ब्रेक करना रहता है ब्रेक, ठीक है, ब्रेक करना होता है इसमें, और स्टेटमेंट का ब्रेक, इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले मंथ खुलेगा, मंथ की वैल्यू पहले चेक करेगा, जनवरी है तो इसके अंदर जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, और बाद में ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद वापस चला जाएगा, इसके नीचे और कोई वैल्यू चेक नहीं करेगा, और अगर जैन नहीं निकला फिर फाइव पे जाएगा, फाइव को चेक करेगा, फाइव भी नहीं निकलेगा तो फाइव के अंदर भी नहीं जाएगा, फिर आएगा मार्च, मार्च को चेक करेगा, मार्च के अंदर नहीं निकला तो मार्च के अंदर भी नहीं जाएगा, इससे आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी देखो दिस इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, मतलब पहला वाला काम करें क्योंकि वैल्यू उसकी जैन आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम हर महीने के लिए बना सकते हैं, और इसके बाद आखिर में डालेंगे डिफॉल्ट, ठीक। डिफॉल्ट में क्या है, इसमें डालेंगे प्लीज ऑफ द ईयर,
डिफॉल्ट में क्या है, क्योंकि देखो हमने 12 महीने के नाम लिख दिए, ठीक है, दिसंबर तक, ऊपर से लेकर दिसंबर तक लिख दिए, इसके अलावा 13 महीना तो हो नहीं सकते, तो फिर 30, उसके बाद अगर कोई गलत वैल्यू डाल रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब डिफॉल्ट में डालो कि भैया सही से नाम डाल दे महीने का, ये नाम ठीक नहीं है, ठीक है। तो अभी चेक करेंगे, तो अभी आ रहा है फर्स्ट मंथ जनवरी पड़ा हुआ है, चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। मैंने नवंबर डाल देता हूँ एक बार, दिस इज 11th मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। तो बन गया एक प्रोग्राम, देखो आप कैसे काम कर रहा है, एकदम एग्जैक्ट टू 10th मंथ ऑफ द ईयर। और मैंने अगर गलती से इसमें डाल दिया गीता, प्लीज चूज राइट मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है, सही से भाई महीना सही से चूज कर लो, गीता नहीं चलेगा, दिस इज द 8th मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। और ये था हमारा स्विच केस, ठीक है। स्विच केस में आप क्या है, आप एक से बहुत सारी कंडीशन एक साथ लगा सकते हो, लगा ये फैल से भी सकते हो, लेकिन ये फैल में ना अच्छा नहीं लगता ज़्यादा बड़ा हो जाए तो अगर ज़्यादा कंडीशन हमारे पास आ जाए तो हम क्या करेंगे, स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, समझ में आया होगा कंडीशनल स्टेटमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल, थैंक यू, धन्यवाद।